दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू द सैटरडे शो। दोस्तों आज इस शो में हमारे साथ पधारी हैं प्रीति सामंत, जो टीआरपी की वन ऑफ द सीनियर मेंबर हैं। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं रवि सर का रियली धन्यवाद, मतलब थैंक यू वेरी मच बोलूंगी, क्योंकि मुझे ये जो चांस मिला है आज ये टीआरपी टीवी में कुछ दो शब्द बोलने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। वेल वेलकम प्रीति जी। प्रीति जी, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा टू द स्टार्ट विथ। मुझे आप ये बताइए, आप दिन भर सुबह से शाम तक जो इतना हाई एनर्जी लेवल मेंटेन करती हैं, उसका सीक्रेट बताइए। सर सीक्रेट तो बताऊं ना, तो एक्चुअली पॉइंट ऐसा है कि मैं तो बहुत सालों से ये फील्ड में हूँ, करीब मुझे 26 इयर्स आज कंप्लीट हो गए हैं, और ये फील्ड में हर एक कस्टमर से इतनी बातें करती हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। और सेकंड थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि मैं टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट लेती हूँ, मेरे लंच डिनर सभी कुछ मेरे टाइम पे रहते सर। और जो पानी जो है वो हम ज़्यादा पीते हैं, कम से कम 6-8 लीटर तो हमारा पानी दिन में हम ले ही लेते हैं, तो एटलीस्ट उस हिसाब से हमारा एनर्जी लेवल हम संभाल के रखते हैं सर। वेरी गुड। दोस्तों आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यदि हमें फुल डे विद एंड फुल एनर्जी के साथ काम करना है, गुड फूड न्यूट्रिशियस रिक्वायर्ड विद लॉट ऑफ वाटर कंजम्पशन, ये प्रीति जी के हेल्थ का और इनके एनर्जी लेवल का राज है। इनके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, शी हैज गॉट सो मेनी कस्टमर्स, जो यहाँ पर पालघर जो इनका निवास है वहां से लेकर चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए हैं। प्रीति मैडम आप बताओ कि आपका यदि कोई क्लेम आता है, हाँ, तो आप क्लेम के वक्त किस प्रकार अपने कस्टमर को हैंडल करते हैं? सर आप मुझे बोलते हो कि क्लेम आता है तब, मैं तो जब पॉलिसी निकालती हूँ क्लेम आने से पहले ही उनको मैं वेरी गुड मतलब सब समझा देती हूँ कि क्लेम के टाइम क्या करना चाहिए। तो उनको पहला तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ कि आपको क्लेम इंटीमेशन नंबर लेना पड़ता है, बाद में उसका क्या क्या प्रोसेस है, अगर कैशलेस है तो क्या प्रोसेस है, रिइंबर्समेंट है तो क्या प्रोसेस है, और आजकल तो एडवांस में भी स्टार है जो हमको क्लेम सेटलमेंट करती है, मतलब किसी का एडवांस में प्री अप्रूवल के लिए, तो वो प्री अप्रूवल भी हमको मिल जाता है। तो हर एक चीज का मैं केयर लेती हूँ, मैं कस्टमर से बात करती हूँ, उनके फैमिली मेंबर्स के भी नंबर्स लेके रखती हूँ ताकि उनसे मैं कनेक्टेड रहूँ और उनका पूरा क्लेम का देखभाल मैं करती हूँ सर टोटली। प्रीति जी आपका कहना है कि भी यदि कस्टमर को क्लेम प्रोसेस का पता है, हाँ, तो वो प्रिपेयर रहेगा, प्रिपेयर रहेगा, और उनको पता होना चाहिए, हाँ, और आप कस्टमर को क्लेम प्रोसेस द्वारा प्रिपेयर रखते हैं, हाँ। क्या आप उनको कैशलेस है मान लीजिए, तो क्या आप अपने कस्टमर को अपडेट करते हैं कि भी आपका ये स्टेज पर आपका क्लेम है, हाँ हाँ, क्या रिइंबर्समेंट में कोई क्लेम है तो क्या पोजीशन? मैं करती हूँ सर, क्योंकि जैसे मुझे उनका इंटीमेशन नंबर आ जाता है ना क्लेम नंबर, तो तुरंत मैं मेल डाल के मैं पूरा अपडेट लेते रहती हूँ स्टार हेल्थ से भी, और उनको मैं अपडेट करती रहती हूँ सर, पूरा मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ। वेरी गुड। दोस्तों याद रखिए, यदि कोई क्लेम है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, हर कंपनी का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। यदि आप और आपका कस्टमर उस प्रोसेस से भली भांति परिचित है तो क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका समय पर क्लेम सेटल हो जा रहा है। प्रीति मैडम आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? स्टार हेल्थ में तो सभी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे अलग अलग पर्पज से, लेकिन मैंने इतना स्टडी किया है सर कि स्टार हेल्थ में एक स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी करके है, okay, हाँ, वो मेरे हिसाब से दी बेस्ट है। उसका रीज़न ऐसे है सर कि उसमें ना एक तो अगर किसी ने समझो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ वही, तो पहली बात तो वो मैक्सिमम सम एश्योर दे रही है, राइट, 1 करोड़ तक का मेडिक्लेम दे रही है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, okay. अगर किसी ने वो 1 करोड़ का लिया सपोज, तो वो प्रीमियम भरे 1 करोड़ के, लेकिन उनको 4 करोड़ का बेनिफिट होता है। अच्छा, हाँ, मतलब मैं समझाती हूँ, जैसे कि 1 करोड़ का उनका बेसिक सम एश्योर तो हो ही जाता है, प्लस उनको रिस्टोरेशन मिलता है 1 करोड़ का सेम ईयर में, प्लस उनको 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी मिलती है, हाँ। आज पीए कवर बोले मतलब डे वन से जैसे पॉलिसी स्टार्ट होती है, yes, तो उनका पीए कवर स्टार्ट हो जाता है 1 करोड़ का, हाँ, और साथ ही साथ उनको 100% नो क्लेम बोनस भी मिलता है, हाँ, 100% नो क्लेम बोनस भी yes, उसमें yes, मिलता ये, है, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भी ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये 4-in-1 प्लान हो गया, 4-in-1, राइट, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल प्लान फॉर द कस्टमर्स, यस सर 100%। प्रीति मैडम ने हमारे टीआरपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ हाई सम इंश्योर्ड पॉलिसीज सेल किए हैं, दैट इज ऑफ वर्थ 1 करोड़। मैं पूछना चाहूंगा प्रीति मैडम, आप बताइए कि भी आप
कस्टमर को 1 करोड़ का पॉलिसी लेने के लिए किस प्रकार तैयार करते हैं? सर पॉइंट ऐसा है कि पहले तो है ना, पहले मेडिक्लेम में हार्डली आई थिंक माना जाता था कि 50,000-1,00,000 बहुत हो गया ऐसा ज्यादा कुछ साल पहले कोई बोलते थे मेरा 25,000 का मेडिक्लेम है बहुत लगता था हरी हरी। लेकिन अभी तो कैसे है सर कि सब टेक्नोलॉजी ये वो सब जो इवन हॉस्पिटल के बिल्स 4 times बढ़ गए हैं तो अभी जैसे स्टार हेल्थ ने 1 करोड़ तक का जो हमको ये जो फैसिलिटी दी है मेडिक्लेम की तो मैं हर एक को बोलती हूँ लिटरली कि आप इसका बेनिफिट लो। उसका पॉइंट ऐसा है सर कि 1 करोड़ का अभी फॉर एग्जाम्पल under 35 के कोई है तो मैं उनको क्या बोलती हूँ आप तो समेश्योर्ड वाइज अगर किसी ने 25,00,000 का लिया 50,00,000 का लिया 1 करोड़ तो डिफरेंस देखोगे ना सर तो ज्यादा नहीं है हार्डली प्रीमियम में हाँ प्रीमियम में ज्यादा नहीं है तो मैं अगर उसके सामने प्रीमियम रख देती हूँ तो उनको पता चल जाता है कि 50,00,000 के लिए अगर मैं 19,000 भर रहा हूँ तो सिर्फ 3,000 ज्यादा भर के 4,000 मेरे को 1 करोड़ मिल रहे हैं तो ये सब चीज में बहुत फर्क है सर उनको 1 करोड़ का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये बात सही है आपका कि जितना आप हाई सम इंश्योर्ड लेते हैं प्रीमियम डिफरेंस उतना कम होता है। हाँ बरोबर बोले। और सेकंड थिंग सर 1 करोड़ का अगर लिया ना तो जैसे पहले भी मैंने आपको बोला कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का कवर फ्री मिलता है। अभी आप सोचो अगर एक कस्टमर मेरे पास ओनली पीए पॉलिसी लेने के लिए आता है तो मैं उनके पास से 11,000 के आसपास का प्रीमियम लेती हूँ जस्ट फॉर 1 year बरोबर है तो वो 11,000 ऊपर और डाला तो आपका तो सीधा पॉलिसी बन गया है 1 करोड़ का तो उनको तो सभी चीज मिलती है। जैसे मैंने बताया रिस्टोरेशन है जैसे मैंने बताया कि नो क्लेम बोनस है तो वो 1 रुपया भर के 4 रुपया तो ले ही रहे ना कोई नो कैप नहीं कुछ कैपिंग नहीं कुछ भी नहीं है उसमें तो सब ज्यादा बेनिफिट्स दिया हुआ है ये पॉलिसी में। तो मैं हर एक को बोलती हूँ कि अगर 1 करोड़ का लिया कैलकुलेशन किया तो 1 करोड़ में आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। मैडम आप पहले 10,00,000 का बोलते हो और फिर 1 करोड़ का बोलते हो या पहले 1 करोड़ का बोलते हो और फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे जाते हो? नहीं सर मैं पहले उनको सीधा बताती हूँ गो फॉर 1 year मैं हर एक को चाहे कोई भी एज हो मेरे पास 60+ वाले भी अगर आए ना सर उनको भी मैंने 1 करोड़ का दिया है। बहुत दफा कस्टमर को ऐसा लगता है कि आज 25 का ले लेता हूँ बाद में 1 करोड़ कर देंगे लेकिन क्या होता है कभी कभी आपकी हेल्थ वगैरह क्या आपको साथ देती है नहीं देती है कंपनी आपको आगे जाके बढ़ा के देगी कि नहीं अपने को नहीं पता है। तो आज ही जब आप एंट्री कर रहे हो अगर मेडिक्लेम में तो उसी टाइम आपको इजीली 1 करोड़ का मिल जाता है तो ले लीजिए। वेरी गुड मेरा कहना है। ये बात आपने बहुत अच्छा कहा है कि भी कस्टमर को इस बात को समझना जरूरी है कि आज यदि वो कम ले रहा है और कल उसके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गया और वो बढ़ाना चाहेगा तो शायद नहीं बढ़ा पाएंगे राइट। तो इसलिए कस्टमर्स को आप कभी बात करते हैं तो आप हाई सम इंश्योर्ड 1 करोड़ से बात करते हैं। हाँ, 1 करोड़ भले ही वो अपना चूज करे कि भी मैं 50,00,000 लूंगा या 5,00,000 लूंगा 10,00,000 लूंगा बरोबर लेकिन आप उसको पहले 1 करोड़ का बता दें। हाँ। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। जनरली लोग क्या करते हैं जो एडवाइजर्स होते हैं वो सोचते हैं कि 5,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस काफी है तो कस्टमर से सिर्फ 5,00,000 की बात करते हैं और प्रीति मैडम का इसमें थोड़ा सा उल्टा है वो सीधे 1 करोड़ की बात करते हैं तो कस्टमर कम से कम 25,00,000-50,00,000 तक तो कन्विंस हो ही जाते हैं। तो दोस्तों ये आज प्रीति मैडम ने हम सब लोगों को जो ये बात बताई है अपने टीवी किस प्रकार वो क्लेम हैंडल करते हैं किस प्रकार वो हाई सम इंश्योर्ड पॉलिसीज को पिच करते हैं ये हम सब के लिए एक समझने वाली बात है। यदि हम इनकी तरह से इन बातों को फॉलो करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों मैं प्रीति मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी इन्होंने आज अपना समय निकाला और हमारे स्टूडियो में पधारे। प्रीति मैडम थैंक यू वेरी मच आपका समय निकालने के लिए और आशा करते हैं आप दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहें हेल्थ इंश्योरेंस में साथ ही साथ टीआरपी का भी ग्रोथ होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।